हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी उत्तरायण आप सभी को और हैप्पी न्यू ईयर और इस साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है और सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद आप बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको देखने मिलेंगे और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओगे। सबसे पहला काम हम ये करेंगे, पैनल को समझेंगे कि एग्जैक्टली पैनल काम कैसे करती है। ये जो LVDS इनपुट है, यहाँ पर RX सिग्नल्स जो है, जो ये वही सिग्नल है जो कि आप इनपुट में देते हैं। इनपुट में मतलब आपने AV से कोई सेटअप बॉक्स कनेक्ट कर रखा है और सेटअप बॉक्स से जो सिग्नल आ रहा है वो प्रोसेसर के थ्रू प्रोसेस होकर LVDS सिग्नल में तब्दील होने के बाद यहाँ पर पहुँचता है। ये RX सिग्नल्स बोलते हैं इसे, RX0, RX1, RX2, RX क्लॉक, RX3। ठीक है, RX0 का मतलब क्या हो गया? रेड सिग्नल। RX1 का मतलब हो गया ग्रीन सिग्नल। RX2 का मतलब हुआ ब्लू सिग्नल, लेकिन इसमें थोड़े चेंजेस हैं, ब्लू के साथ वर्टिकल सिंक और हॉरिजॉन्टल सिंक मिला हुआ है। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होगी, अगर जो जिसमें RX2 का प्रॉब्लम होगा वो उसमें आपको पिक्चर देखने ही नहीं मिलेगी। उसके बाद आता है RX क्लॉक। RX क्लॉक का भी ऐसा ही है, ये डेटा एनेबल्ड पिन है। इसमें भी जो आपकी पिक्चर नहीं बनेगी अगर जो इसमें कुछ तकलीफ होगी इस सिग्नल के साथ। RX3 का ऐसा नहीं है, RX3 में RGB सिग्नल्स इंसर्ट होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि RGB सिग्नल जो होते हैं ये पूरी स्क्रीन पर रहने वाले रेड, ग्रीन एंड ब्लू सिग्नल्स का काम करते हैं। इस सिग्नल का एब्सेंस में आपको 6 बिट की कलर में पिक्चर दिखेगी। 6 बिट का मतलब ये हो गया आपको मैपिंग जैसा प्रॉब्लम दिखेगा, क्योंकि 8 बिट की पैनल में 6 बिट आपने कनेक्शन दिया हुआ है। क्योंकि आपका RX3 लाइन गड़बड़ा गया है, इसलिए 6 बिट ऑप्शन में ये पिक्चर चलेगी और आपको मैपिंग जैसा फॉल्ट देखने मिलेगा। पहले मैं बता देता हूँ एक एक फॉल्ट कैसे आते हैं इसमें। सबसे पहले मैं RX0 के बारे में बताना चाहूंगा। RX0 एक ऐसा सिग्नल है जिसमें रेड सिग्नल को इनपुट किया जाता है, जो कि ये वही सिग्नल है जो कि आपने सेटअप बॉक्स से कनेक्ट कर रखा है। वो ट्रांसफॉर्म होकर LVDS सिग्नल में RX0 माइनस और प्लस के रूप में LVDS की पहली दो जोड़ी के रूप में यहां पर पहुंचते हैं। तो आप देखेंगे कि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, RX0 माइनस से रिलेटेड पूरी स्क्रीन पर रेड कलर में पिक्चर दिखेगी आपको। और अगर जो RX0 प्लस का प्रॉब्लम हुआ तो आप देख सकते हैं, यहां पर मैंने RX0 प्लस के बारे में बताया, इस तरह की जो फॉल्ट होगी उसमें रेड सिग्नल पूरी पिक्चर से गायब हो जाएगा। जैसे कि रेड सिग्नल होता है, ये जो रेड सिग्नल है माइनस की प्रॉब्लम से हुआ और प्लस की प्रॉब्लम से यहां पर से रेड सिग्नल गायब हो जाएगा। वैसे ही दूसरा सिग्नल हुआ RX1 माइनस, ठीक है, दूसरी जोड़ी का पहला सिग्नल। यहां पर RX1 माइनस जो है उसमें पूरा रास्टर जो है वो ग्रीन कलर में दिखेगा। अगर जो RX1 माइनस से रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ, RX1 प्लस से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा तो पूरी स्क्रीन में से ग्रीन कलर गायब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन RX2 के साथ ऐसा नहीं है। RX2 के साथ प्रॉब्लम यह है कि जब RX2 का प्रॉब्लम रहेगा तो पूरा जो स्क्रीन होगा वो ब्लैकआउट हो जाएगा। यहां आप देख सकते हैं RX2 की गड़बड़ी हो गई तो पूरा स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाएगा, मतलब उसमें कोई भी पिक्चर नहीं आएगी, खाली बैकलाइट जलेगी। कोई कोई पैनल में हो सकता है कि बैकलाइट लीक होकर आपको ब्लू शेड भी दिखे, लेकिन यहां पर सिग्नल नहीं दिखेगा आपको, इसकी वजह से पिक्चर नहीं आएगी। तो RX2 के साथ और RX क्लॉक के साथ सेम समस्या रहेगी और RX3 लाइन के साथ डिफरेंट पिक्चर में पिक्चर आएगा। आपको मैं बताना चाहूंगा कि पिक्चर कैसी दिखेगी अगर जो RX3 सिग्नल एब्सेंट है। तो ये है RX3 माइनस और प्लस की प्रॉब्लम का पिक्चर, यहां पिक्चर ऐसी दिखेगी, ठीक है। अभी आप RX लाइन समझ गए, RX लाइन कैसी होती है। अब हम समझ लेते हैं कि जो मैं आपको शुरुआत में बताना चाह रहा था कि जो सिग्नल्स होते हैं, जो पैनल होती है वो कैसे बनी हुई है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये पूरी पैनल है, इसमें कितनी कॉफ लगी हुई है,
ये है 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कॉफ, जिसमें 2 पीसीबी लगी हुई है, 1 पीसीबी में 3 कॉफ और दूसरी पीसीबी में 3 कॉफ। लेकिन इसमें से जो ये लास्ट वाली जो कॉफ होती है, मैं आपको यहाँ पर इंसर्ट करके बता देता हूँ शेप्स, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि इसमें से कौन सी कॉफ है जो आपकी प्रॉब्लम वाला एरिया डिस्कवर करती है। वो है ये वाला कॉफ, इसको मैं नो फिल कर देता हूँ पहले, और यहाँ पर मैं आपको आउटलाइन दे देता हूँ रेड कलर की, और ये है मेन कॉफ। इसमें से ये जो 3 कॉफ लगी हुई है जो कि दूसरी साइड की पीसीबी के ऊपर, उसमें से लास्ट वाली जो कॉफ है वो है मेन मेन सोर्स कॉफ। सो यहां पर मैं लिख देता हूं है, आउटलाइन दे देते हैं इसे। सो यहां आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने मार्क करके रखा है वो मेन सोर्स कॉफ है, और दूसरी साइड की जो कॉफ है, यहां पर मैं फिर से एक और मार्क देता हूं, ये लास्ट वाला, ये मेन कॉफ नहीं है, ठीक है, ये भी गेट सिग्नल ले जा रही है लेकिन ये मेन कॉफ नहीं है। इंपॉर्टेंट गेट सिग्नल जो जा रहे हैं राइट साइड की कॉफ से जा रहे हैं, और जो लेफ्ट साइड की सोर्स कॉफ है उसमें अगर जो कोई भी प्रॉब्लम होती है गेट एरिया में, गेट एरिया का मतलब ये हो गया कि मैं एक मार्क करके आपको बता देता हूँ गेट एरिया कहाँ से होगा, गेट एरिया होगा इतने एरिया में, ठीक है। सो ये एरिया में अगर जो कोई जल गया है या बर्न दिखता है आपको फिजिकली, सो इतना एरिया आप कट कर देंगे पीसीबी से ही, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये वाली जो मेन कॉफ है ना, सोर्स कॉफ, ये पूरी पैनल पे पिक्चर बना देगी। प्रॉब्लम अगर जो इस साइड में होती तो ये इम्पोर्टेंट गेट सिग्नल था, ये अगर जो ट्रेवल नहीं करता है किनारे की लाइंस में, तो ये पूरी पिक्चर में जो गेट एरिया को कवर नहीं कर पाया तो पिक्चर भी नहीं बनेगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर जो पैनल में गेट कॉफ ना हो, इसका मतलब ये हुआ कि इस पैनल में गेट कॉफ नहीं है, और अगर जो ये कॉफ यहाँ से जली हुई है, तो आप इतना हिस्सा कट करने के बाद यहाँ पर आप कोई भी कनेक्शन नहीं कर पाओगे पीसीबी से उठाकर सारे सिग्नल्स देकर, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ऐसा हिस्सा नहीं है जिस पर आप कनेक्शन कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ इस वादे के साथ कि इसका दूसरा पार्ट बनेगा, और ये बहुत जल्दी मैं आपके सामने रखूँगा, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है, मैं अभी इसे कट करता हूँ। और जो लोगों ने मेरी चैनल अब तक सब्सक्राइब ना की हो तो सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको देखने मिलेंगे और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओगे। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मेरी ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप टेलीग्राम पे चालू हो चुकी है, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं उसमें, और आप भी अगर जो जुड़ना चाहते हैं तो अभी भी देर नहीं हुई है, पूरा साल अभी भी मिल सकता है आपको। जो जितना लेट करके जुड़ेगा उसको उतना ही टाइम कम मिलेगा, क्योंकि जनवरी में ये जो टेलीग्राम का ग्रुप है कंप्लीट होके नेक्स्ट सेशन चलेगा, जिसमें वापस से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। सो अभी 2000 भर के तुरंत आप जुड़ जाइए, ताकि टेलीग्राम का जो मेरा सपोर्ट ग्रुप है उसमें आप एन्जॉय कर पाए। शुक्रिया दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, बाय।